नदौन में राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता के बाद यहां पर लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। यहां पर सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से अब 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि को यहां पर चेंजिंग रूम, शौचालय इत्यादि की सुविधा रिवर राफ्टिंग करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग, द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नदौन में पहली बार 4 से 8 अक्टूबर तक ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग मैराथन सीरीज के आयोजन के बाद यहां स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों का रुझान भी रिवर राफ्टिंग की ओर बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और ब्रजेश्वरी माता तथा उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु और राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों का रुख करने वाले सैलानियों को अब अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव नदौन में रिवर राफ्टिंग के माध्यम से रोमांच भरे पल बिताने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की विशेष पहल पर नदौन में विकसित की गई रिवर राफ्टिंग साइट के अब सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नदौन के पत्तन से देहरा तक लगभग 12 किलोमीटर के रिवर राफ्टिंग रूट को हाल ही में पर्यटन विभाग ने अधिसूचित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार रिवर राफ्टिंग के लिए ये रूट बहुत ही अनुकूल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइट के रूप में इसके उभरने की संभावनाएं भी हैं। विभाग ने क्षेत्र के 100 से अधिक युवाओं को रिवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया है और आने वाले समय में युवाओं को रिवर राफ्टिंग का एक रोमांच और साहसिक खेल के रूप में ही नहीं बल्कि स्वरोजगार के रूप में भी अपनाने का मौका मिलेगा। केवल पंजीकृत ऑपरेटर और लाइसेंस धारक गाइड ही यहां पर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध होंगे। सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी रवि दीवान ने बताया कि नदौन की रिवर राफ्टिंग साइट पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने व्यापक कदम उठाए हैं। इनके अलावा नदौन में यूथ हॉस्टल, होटल, कैफे और पार्किंग इत्यादि का एक विस्तृत प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 150 से अधिक लोग यहां पर रिवर राफ्टिंग कर चुके हैं। देखिए, हमने जब हम आए थे, हमने आते ही यहाँ इस जगह की नोटिफिकेशन की थी पहले रिवर राफ्टिंग के, नदौन की रिवर राफ्टिंग यहाँ शुरू हुई। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स ढूंढे कि ऐसा ना हो कि एक दिन ही रिवर राफ्टिंग चले, ये परमानेंट चलती रहे। हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं रिवर राफ्टिंग के, वो भी हमने रजिस्टर कर रखे हैं। आपको डेली वहाँ से रिवर राफ्टिंग के लिए सुविधा मिल जाएगी। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अभी इसके पीछे इसको थोड़ा सा ये करने के लिए, उन लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए हमने 100 बच्चों को इसमें रिवर राफ्टिंग में हमने ट्रेनिंग दी है। और उनमें से 100 बच्चों में से भी काफ़ी बच्चे थे जो हमारे उन्होंने कंपटीशन में भी भाग लिया था, आपको आइडिया होगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस जगह का जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उस जगह पे रिवर राफ्टिंग के, उसके लिए भी हमने 35 लाख रुपया सेंक्शन कर दिया है। आपका चेंजिंग रूम है, जैसे आपके ये टॉयलेट्स हैं या रूम है, मतलब जो भी बेसिक सुविधा है वहाँ पर, जो भी राफ्टिंग करने के लिए कोई आएगा उसको वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको बताना चाहूँगा कि 167 के करीब अभी जो है जो अपना रिवर राफ्टिंग यहाँ से लोग कर चुके हैं, ये जो आपके कंपटीशन के बाद से ही यहाँ पर जो हमारी जो राफ्टिंग करवाते हैं लोग। इसमें ऐसा नहीं है कि लोकली लोग थे, आने जाने वाले गंतुक थे, जिसमें उनमें बॉम्बे से थे, बंगलौर से थे, इस तरह अलग अलग जगह के लोग थे जिन्होंने वहाँ पर लिए।